छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें पद का नाम देखेंगे तो स्टाफ नर्स, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, वार्ड आया और डाटा एंट्री ऑपरेटर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें 8वीं पास, 12वीं पास, बीएससी नर्सिंग, डीसीए, इस तरह से योग्यता रखा गया। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यहां आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र के अनुसार यह वैकेंसी निकाली गई है, और यह वैकेंसी कहां निकाली गई है तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर में निकाली गई है, और कोई भी जिले के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहां पद का विवरण देखेंगे तो स्टाफ नर्स के टोटल 9 पद है, लैब टेक्नीशियन के 5 पद है, इसी तरह वार्ड बॉय आया के 5 पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद है। इस तरह से टोटल 20 पद हो जाते हैं। 20 पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। आप वार्ड बॉय आया में देखेंगे तो 8वीं पास मांगा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12वीं पास मांगा गया है 1 साल का कंप्यूटर के साथ, और लैब टेक्नीशियन में डीएमएलटी बीएमएलटी पैरामेडिकल कोर्स मांगा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे स्टाफ नर्स में बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का कोर्स पासेड होना चाहिए। अब बात आती है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे, तो आपको सारे दस्तावेज को लेकर इंटरव्यू के लिए जाना होगा, और इंटरव्यू कब है तो 29/12 और 30/12 दो दिन रखा गया है। आपको इसी दिन सीधे पहुंचना है, और कहां पहुंचना है तो आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर में आपको पहुंचने होंगे। ये जो नियुक्ति है ये संविदा नियुक्ति है, वहां इंटरव्यू का आयोजन किए जा रहे हैं नारायणपुर में। अगर आप इच्छुक हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे तो आपको ये सारे दस्तावेज लेकर जाने होंगे, जिसमें आवेदन पत्र रहेगा, एक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, अनुभव और अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है आप लेकर पहुंचेंगे। इसमें ये बात कही गई है कि जो नारायणपुर जिले के कैंडिडेट होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है तब अन्य अर्थात बस्तर जिले के कैंडिडेट को, और बस्तर जिले में भी नहीं मिलते हैं तो राज्य के कैंडिडेट को वरीयता इसमें दी जाएगी। इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें 80% अंक आपको दिए जाएंगे। अनुभव का भी आपको 5 वर्ष का अनुभव रहेगा, तब आपको 2 अंक एवं अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव है तो आपको 4 अंक प्रदान किए जा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें जो ये पत्र होता है आवेदन पत्र, उसको सबमिट नहीं किया गया है, आपको सीधे वहीं पर मिलेंगे आवेदन पत्र। यहाँ आप ऑफिशियल वेब पेज पर भी देख सकते हैं ये वैकेंसी निकाली गई है। आपको 30/12/2020 और 29/12/2020 को इंटरव्यू के लिए पहुंचने होंगे, और वहीं पर आपको आवेदन पत्र भी मिलेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस तरह से देख सकते हैं। हम इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख देंगे, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और इसके बारे में जब भी कोई अपडेट आता है तो आपको यहीं पर मिलेगा इसके बारे में जानकारी। इसके अलावा आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।